Sometimes judged के आप लोग आई मीन यस इन इन सर्टन वे प्रिवेज होती है लेकिन बहुत ज़्यादा इशूज़ uh, भी होते हैं लाइक आई हैव सीन माई फ़ादर नाट बींग एट होम एंड माई मदर टेकिंग केयर ऑफ ऑल थ्री गर्ल्स हम तीन बहने उनका ख्याल yeah. रखना तो वो बड़ा मसला भी होता है और फिर yeah. uh, मुझे याद है एक वाक्य जहाँ पे आई वी इन मरी एंड उनका फोन आया कि आपको पता है कि कल से आपको गोली लग गई है तो इस तरह का भी पैनिक और oh उसमें करना तो हाँ। ये तो मैं वही बात कही थी इनफैक्ट हमारे सेट पे भी बात हो रही थी तो मैं आके सपोर्ट में आती हूँ मैंने कहा आप लोग जो बात करें सही बात कर रहे होंगे नेचुरली हर जगह पे हर फील्ड में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से जो बताती हूँ हमने बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी हुई और बड़े जिस तरह से लोग छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं तो वो वाली चीज हमने की हुई है and uh, alhamdulillah i'm very happy you're right kaha bahut se privileges hai wahan pe there's a there are a lot of costs also jo pay karni padti hai Absolutely. yaar sufferings ya suffer karna padta hai yaar सैक्रीफा करने पड़ते हैं जो मुझे लगता है शायद कभी कभी नहीं काउंट किए जाते तो कोई भी चीज़ बिल्कुल ग्रीन या बिल्कुल ब्लैक नहीं होती है एंड ऑलवेज यू नो द द ग्रास इज ऑन अदर साइड आपको yeah. दूसरी वाली चीज़ हमेशा ज़्यादा वो लगती है बट मुझे लगता है प्रिवलेजेस भी हैं yeah. लेकिन ये कि उसके ड्रॉबैक्स भी हैं yeah. और आई एम श्योर जो आर्मी वाले लोग होंगे फैमिलीज हो yeah. इसे रिलेट कर सकते होंगे आई एम श्योर अच्छा तो बचपन में तो आप लोग हैंडी या वो थोड़ा यंग एज पे होता था के हैंडी कैम लेके ये मुझे बहुत फैसिनेट किया आपकी बात कि आप, आप कह रही हैं कि हम लोग ड्रामे खुद शूट करते थे कौन कौन होता था हरीम भी थी उसमें आपके नहीं, साथ नहीं थी

और बड़ा मजा आता था, था फिर हम सारी फैमिली को बिठा के और वो देखते थे एंड वी यूज्ड टू हैव अ गुड टाइम तो मजाक कितना उड़ता होगा अब वो वीडियोस हैं वीडियो देखिए था ना बी सी आर को मिल वो ढूंढ के वो चलानी चाहिए <laughs> वो सही मजे की होंगी <laughs> ऐसे होंगी बड़ी मजे की सारी <laughs> कजन अब तो यू गाइस आर ऑल वो देख कर ही अपने आप को अजीब सा लगेगा ना कि क्या सो कीड़ा एक्टिंग का शुरू से था आप में कहीं हाँ। ना कहीं तो आप डायरेक्ट भी कर रही होती थी या खाली एक्टिंग नहीं नहीं फिर हम अपना सजेशन देते थे कि अच्छा मैं ये करना चाहती मैं अपने बाल बालियों घुमाना चाहती हूँ मेरा कैरेक्टर इस तरह से बनेगा okay, गाने हाँ। भी लफ्जों में जिस तरह से होता था गाने भी होते थे गाने भी होते थे हर कैरेक्टर की आपको पता है क्या लाइक like, लिटरली हर कैरेक्टर पे एक गाना होता था

मैं कलाशन को निशाना डस नजदीक आ यू यू हैव इंप्रेस्ड क्योंकि पहली बात ये है कि मैडम ने जहाँ के गाने पंजाबी फैमिली फिर पंजाबी गाना वो भी ये क्लैशन कोफ वाला ये बड़ा कोई टिपिकल मतलब इट्स नॉट अ समथिंग वेरी

इतनी मूवीज देखी हूँ ऐसे okay. कोई दो तीन देखी होंगी मुझे याद है यहाँ पे एक ड्राइव इन सिनेमा होता था कराची में yeah.

अच्छा इससे पहले ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि इससे पहले मेरी अब बहनों को ऑफ़र होती थी कमर्शियल uh, की अच्छा मैं ये कर लूँ तो बाबा hmm. तो ना आप yeah. वो हो, yeah. conscious conscious कि आप जरा वो नहीं ऐसा नहीं हो सकता really hmm. तो मना कर दिया उनको नहीं करने दिया मेरे टाइम पे आ गया बड़े भी हो जाते हैं ना <laughs> उनको कि कितना रोके अब उसको बट मेरा

तो दो महीने के बाद मुझे ऑडिशन की कॉल आई और उन्होंने कहा कि कराची तो मैंने कहा नहीं कराची तो नहीं मैंने जाना <laughs> क्योंकि ऑफ कोर्स एक नया नया होता है <laughs> और आपको पता भी नहीं होता मैंने कहा नहीं कराची ने कहा चले आप लाहौर के ऑफिस जाके ऑडिशन दे दें फिर मैंने ऑडिशन दिया जाके एंड आई गॉट सिलेक्टेड उसमें और फिर वहां से अलहमदुल्ला दर्नी बिगैर तो हरीम एंड यू हैव बीन बचपन बचपन की की दोस्त दोस्त हैं राइट आप और हरीम हैं तो कभी हरीम को देखते हुए क्योंकि हरीम तो बहुत अरसे कर रही हैं उन्होंने प्रोडक्शन भी की हुई है वो इन्वॉल्व भी रही हैं काफ़ी चीज़ों में यू नो थिएटर में भी एंड एवरीथिंग तो आपको कभी हुआ नहीं था कि मैं जाऊँ इस साइड पे हरीम को देखे कभी नहीं हुई ये नहीं हो नहीं आई अंदर नहीं ऐसा आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे जॉब नहीं करनी uh, मेरी दूसरी बहन जो थी वो डिज़ाइनर बन रही था ऐसा कि ये भी बोरिंग है आर्ट्स में ड्रॉ तो कुछ सही होता नहीं है बट आई जस्ट वॉन्ट टू बी लाइक आई न्यू दिस थिंग अबाउट मी के क्रिएटिव साइड है आई राइट आई डोंट नो इफ आई राइट वेरी वेल बट आई डू राइट ओके तो राइटिंग था फिर थोड़ा बहुत डांस का भी शौक है फिर एक्टिंग तो थी ही नहीं होता है ना कि आप बोलो कि अच्छा मैं बहुत एक्ट कर सकती हूँ वो वाली चीज़ नहीं थी मतलब मुझे नहीं पता था उसका नहीं हरीम हरीम को मैं अप्रिशिएट करती थी मुझे याद है इसका अगस्त हम देखने गए थे yeah. थिएटर hmm. जो शो था और और कभी नहीं, नहीं सोचा होगा कि मैं भी एक्टिंग और मैं हरीम के साथ ही ड्रामा कर रही हूँ नहीं नहीं और हम दोनों बहनें अच्छा मुझे नहीं पता था कि आप दोनों बचपन की दोस्त हैं तो अब जब मैं

यार पता है हम एक्नॉलेजमेंट के लिए तरसे हुए okay. लोग होते हैं ठीक है हमें कोई कह देना अच्छा यार तुम अच्छी लग रही हो होगा mm. अच्छा इसका मतलब है कि मैं अच्छी लग सकती यू you नो know? mm. uh, एक तो होता है सेल्फ अवेयरनेस एक mm. होता है दूसरे बंदे ने आपकी तारीफ कर दी तो mm. आपको लगता है कि ओके okay, you know,